हेलो दोस्तों, डिश न्यूज चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आपके लिए एक ऐसा सेटअप बॉक्स लेकर आए हैं जो डीडी फ्री डिश भी दिखाएगा और कोई भी मनचाही एप्लीकेशन आप इसमें रन कर सकते हैं। ये एक एंड्रॉयड डिवाइस है, इसमें आप इंटरफेस देख पाएंगे एंड्रॉयड का, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और इसमें जो फीचर दे रखे हैं आपको बताया हुआ है 2GB रोम, सॉरी ये गलती से लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग है ये कंपनी की तरफ से। 2GB रैम है और 16GB इंटरनल मेमोरी है। H.265 HEVC 10 बिट सपोर्टेड है और 4K का यहाँ पर सपोर्ट बताया गया है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन ये दी गई हैं सभी की सभी आप यहाँ इस सेटअप बॉक्स के माध्यम से देख सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि अगर आप किसी भी टीवी में, यानी आपका पुराना टीवी हो, LED हो, LCD हो, सभी टीवी में इस सेटअप बॉक्स को अटैच करके आप सभी एप्लीकेशन का और डीडी फ्री डिश का इंजॉय कर सकेंगे। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेटअप बॉक्स इस प्रकार मिलेगा। यहाँ पर हमें रिमोट देखने को मिलेगा। वैसे एक बात बताऊँ, रिमोट को हाथ में लेते ही कुछ फील आता है कि अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर इसका कुछ इस प्रकार मार्क लगा हुआ है मेड इन इंडिया और कुछ फीचर्स इस प्रकार दिए गए हैं। ऊपर की तरफ आपको कीज़ मिल जाएंगी, DVB, YouTube, जियो सिनेमा, MX प्लेयर और कुछ रिकॉर्डिंग का है, माउस का है बटन। बाकी वैसे ही सेम HD रिमोट की तरह फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सभी क्वालिटी में काफ़ी अच्छे हैं, पता चल जाता है। कोई भी अच्छी चीज़ अगर हम हाथ में लेते हैं क्वालिटी का पता चल जाता है, तो अच्छी क्वालिटी में सामान मिल जाता है। साथ में HDMI केबल मिलेगी और सेटअप बॉक्स कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। छोटा सा सेटअप बॉक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा बॉक्स आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और ये फुल्ली प्लास्टिक बॉडी है, मेटल बॉडी नहीं है। बैक की बात करें तो आपको यहाँ पर ये फीचर्स दिए गए हैं, LNB इन है, AV आउट, यानी अगर आपके पास HDMI पोर्ट का ऑप्शन नहीं है, यानी जो ये केबल लगती है उसका ऑप्शन आपकी LED में TV में नहीं है, तो आप AV केबल के माध्यम से यहाँ अटैच कर सकते हैं। USB 2 पोर्ट दे रखे हैं, इसमें LAN का ऑप्शन दिया है और HDMI 12 वोल्टेज। बैक में कुछ इस प्रकार वेंटिलेशन और फ्रंट में आपको कुछ इस प्रकार का पैनल मिलेगा, बटन नहीं है। और ऊपर की तरफ ये मार्क दिया हुआ है और अपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इसमें क्या क्या मिलता है। एक चीज़ बताएं, यहाँ पर 32GB रैम लिख दिया है, कंपनी ने कुछ मिस प्रिंटिंग ज़्यादा ही की हुई है। 32GB रैम, 2GB रोम, ये भी गलत है। और यहाँ ऊपर देखेंगे तो बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ 2GB रोम है और 16GB रैम है, जबकि इसके अंदर हमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 2GB रोम यानी रैम और 32GB यानी इंटरनल मेमोरी का थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है। चलिए इसको टीवी के साथ अटैच करके तब देखेंगे कि इसके फीचर्स इंटरनल इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, कौन सा वर्जन है और जो यहाँ बताया गया है क्या वही है या इससे चेंज है। चलिए एक बार टीवी स्क्रीन की तरफ चलते हैं, इसके फीचर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने सेटअप बॉक्स में पावर दी और स्टार्ट किया तो वैसे ही मुझे यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल गया, यानी एक पॉपअप आया उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा था, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया और अपडेट करने के बाद सब कुछ बदल गया। जैसा पहले इंटरफेस था उसमें चेंज आ चुका है। करंट की बात करें तो यहाँ पर आपको सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे आप एंड्रॉयड डिवाइस चला रहे हैं। आप एप्लीकेशन देखेंगे तो यहाँ पर सभी प्रकार की एप्लीकेशन शो हो रही हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। अगर आप और ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड की जा सकती हैं। अगर DVB की बात करें तो ये DVB का ऑप्शन है, यहाँ प्ले DVB, इंस्टॉलेशन, चैनल्स मैनेजर और DVB सेटिंग, तो ये चार ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं कि डिवाइस में क्या क्या है, और डिवाइस में जो हमें शो हो रहा था वो भी चेंज हो गया है। फर्स्ट लुक कुछ अलग दिखाई दे रहा था, उसके जो फीचर्स शो हो रहे थे सेम बॉक्स पर जो लिखा था वैसा ही शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही अपडेट हुआ तो वह एक्यूरेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम डिवाइस प्रेफरेंस में जाएंगे और अबाउट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे तो डिवाइस नेम है A13S। उसके बाद वर्जन की बात करें तो वर्जन यहाँ पर 11 शो हो रहा है। अगर हम इस पर कई बार ओके करेंगे तो यहाँ वर्जन हमें दिखाएगा एंड्रॉयड वर्जन 10, यानी एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलेगा। और बाकी ये चिप आईडी सॉफ्टवेयर वर्जन,
अब यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर जो हमारा वर्जन है वो 2024 का आ चुका है। शायद पहला कुछ 2023 का हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है मुझे क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था। जैसे ही मैंने अपना बॉक्स ओपन किया तो ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन शो हो गया था। तो अब यहाँ पर अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में आप देख पाएंगे इंटरनल स्टोरेज 32 GB है और DDR 2 GB रैम मिलती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सेटअप बॉक्स के डिब्बे में जो हमें शो हो रहा था 16 GB रोम वो गलत है, यानी यहाँ पर 32 GB रोम मिलेगी और 2 GB रैम। अगर यहाँ होम की बात करें तो हमें एक चीज देखने को मिल रही है, सर्च का ऑप्शन, यानी इस ऑप्शन से हम स्पीक कर सकते हैं लेकिन रिमोट में कमांड नहीं है वॉइस रिकॉर्ड करने की। तो अब आगे चलते हैं, होम के बाद ऑप्शन हमें देखने को मिलता है शॉप। शॉप में हमें कुछ मूवीज, ट्विस्टर, वार, तो इस प्रकार हमें कुछ ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यानी ये कह सकते हैं आपको इनको चलाने के लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है लेना, क्योंकि ये सभी के सभी शो हो रहे हैं, ये सभी सब्सक्रिप्शन पर ही चलेंगे। अब डिस्कवर की बात करें तो सेटअप पर्सनलाइज गेट स्टार्टेड, अब यहाँ पर क्या आएगा मुझे भी नहीं मालूम, चलिए देख लेते हैं। और इसमें ईमेल आईडी वगैरह भरनी होगी, खैर इसे बाद में चेक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन का ऑप्शन है, एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी एप्लीकेशन। आपको गूगल प्ले स्टोर मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर से आप मनचाही एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फास्ट कास्ट है, फाइल मैनेजर, जियो सिनेमा, तो फाइल मैनेजर इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जियो सिनेमा, अपडेट। अपडेट की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का वर्जन है, OTA अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। OTA अपडेट करेंगे तो देखते हैं न्यू अपडेट है या नहीं है, फिलहाल ये लेटेस्ट वर्जन है। और ये मेरा कास्ट है, MX प्लेयर, स्टॉकर, सेटिंग, तो ये सभी के सभी एप्लीकेशन, TV, इंटरनेट ब्राउज़र, यूट्यूब। और यूट्यूब की बात करें तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर डेस्कटॉप व्यू, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है। और ये सेटिंग इस प्रकार है, गेमिंग, मूवीज, म्यूजिक। अब बात आती है 4K की, चलिए 4K भी देखते हैं। यहाँ पर आया हुआ है 4K, ये 8K है, चलिए 8K स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे पहले हम पॉज कर देते हैं ताकि कॉपीराइट का इशू ना हो। सेटिंग में हम जाकर देखते हैं कि हमारा सेटअप बॉक्स क्या सपोर्ट करता है, कितना रिजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा। सेटिंग में यहाँ क्वालिटी है, क्वालिटी में आप देख पाएंगे 2160 पिक्सल, वो भी 60 FPS में, 4K सपोर्टेड है। 4K सपोर्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं, देख सकते हैं 4K लिखा भी आ गया। अब हम इसे प्ले करेंगे तो ये प्ले भी हो जाएगा, बस इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए। हमारा तो इंटरनेट अच्छा नहीं है फिलहाल, हम यहाँ से बैक हो जाते हैं, काफ़ी लोडिंग लेगा, काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा। कई बार बैक करने के बाद हम वापस चलते हैं अपने मेन्यू में, यहाँ हम आ गए। अब आपको कोई एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करनी है तो ओपन गूगल प्ले स्टोर करके कर सकते हैं, फिलहाल मुझे इसको साइन इन करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐप्स के बाद वही सेटिंग आ जाती है, साइन इन आ जाता है। अब बात आती है वाईफाई की, वाईफाई आप सेटिंग से कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग में सबसे पहले वाईफाई का ही नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद एप्लीकेशन है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। फिर है डिवाइस प्रेफरेंस जो कि मैं दिखा चुका हूँ, और लॉन्चर सेटिंग। अब चलते हैं DVB की तरफ, हम यहाँ पहले होम में आएंगे और DVB का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल कोई भी चैनल अवेलेबल नहीं है, मैं पहले इसको स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पर नो प्रोग्राम प्लीज स्कैन फर्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे यस कर दीजिए। और यस करने के बाद सैटेलाइट आ गए हैं, सैटेलाइट में आप DD सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, इस प्रकार आप सेटिंग कर लीजिए। और उसके बाद सैटेलाइट पर आकर ओके करेंगे, ब्लू बटन प्रेस करेंगे स्कैनिंग का, डिफ़ॉल्ट FTA चैनल, तो हमारे चैनल से जितने भी आएंगे वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। चलिए फटाफट से इसको स्कैन करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये चैनल हमारे चलने लगे हैं। अगर हम चैनल लिस्ट की बात करें तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर टोटल हमें 505 चैनल मिले हैं, जिनमें कुछ फ्री सेट के हैं। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बैकग्राउंड में चल रहे हैं, यानी HEVC 10 bit सपोर्टेड है। वैसे क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब बात करें मेन्यू की, इसके मेन्यू में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंस्टॉलेशन है जो कि हमने आपको दिखाई दी है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा।
और यहाँ पर क्वालिटी, सिग्नल क्वालिटी इस प्रकार देख सकते हैं। बैक करें, टीवी सेटिंग में जाएं, टीवी सेटिंग में आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। एवी सेटिंग है जहाँ पर एस्पेक्ट रेशो, जेप मोड यानी आपको स्क्रीन किस प्रकार रखनी है, ब्लैक स्क्रीन कर देनी है या होल्ड, यानी आप चैनल चेंज करेंगे तो होल्ड स्क्रीन रहेगी चैनल की या ब्लैक में बदल जाएगी, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पीवीआर है, फिर ऑडियो लैंग्वेज है, उसके बाद ऑडियो मोड है और आईपी ऑडियो, सबटाइटल और टेलीटेक्स, पिक्चर साइज, रेडियो टीवी और फिर दोबारा चैनल मैनेजर। डायरेक्ट आप इंस्टॉलेशन इस प्रकार भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। चैनल मैनेजर है, डीवीबी सेटिंग सेम वही डीवीबी सेटिंग हमने जो आपको दिखाई है। उसके बाद रिमोट से भी हम डायरेक्ट फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमोट में भी डीवीबी का ऑप्शन दिया हुआ है। रिमोट में जैसे ही डीवीबी का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे चैनल चलने लगेंगे। अब बात आती है कि ये सेटअप बॉक्स हमें कितने रुपए में मिलेगा। देखिए इसका जो प्राइस है वो 2500 के करीब है, 2500 से कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। और अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई और सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम चेक करके आपको सही तरीके से बता सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम किसी और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।